हेलो फ्रेंड्स, प्रीत DIY में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पनीर पराठा। इसके लिए मैंने आटे को नरम गूंद लिया है। आटा ले रही हूँ मैं नरम गूंदा हुआ। गरम मसाला, आलू उबाल कर रखे हैं, पनीर, नमक और मैं ले रही हूँ इसमें एक हरी मिर्च। आप चाहे तो हरा कटा प्याज भी ले सकते हैं इसमें। मैं आलू को अब मैश कर रही हूँ। हमें अच्छे से इसे चम्मच की सहायता से मसल कर मिला देना है। इसमें डाल रहे हैं पनीर, इसे भी हम मसल लेंगे। अब चाहे तो पनीर ज़्यादा ले सकते हैं, मैंने पनीर थोड़ा लिया है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, गरम मसाला, चाहे तो आप इसमें इसी समय हरा धनिया भी डाल सकते हैं, कटी हुई बारीक प्याज डाल सकते हैं, हरी मिर्च जो मैं बारीक काट के इसमें डाल दूंगी। अब मैं आटे की एक लोई बना लूंगी। हमें आटा नरम ही गूंदना है, अगर सख्त होगा तो उसमें फिर हमारा जो मिक्सचर डालेंगे तो वो फटेगा रोटी बनाते समय, इसलिए मैंने ये लोई ले ली है। ये बहुत ही नरम है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैं भर रही हूँ आलू पनीर का मिक्सचर। अब हम इसे बेल लेंगे और रोटी बना लेंगे। देखिए कितने आसानी से ये बेली गई है, क्योंकि मेरा आटा नरम था। अब हम मैं इसे देख रही हूँ कि तवे तवा गर्म हो रहा है। इस पे हम रोटी को डाल देंगे। रोटी सिक गई है, अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए हमारी रोटी फूल कर तैयार हो गई है। इस पे मैं डाल रही हूँ घी। कितने अच्छे से ये फूल गई है, आप देख सकते हैं। ये नरम आटे की वजह से इस तरह से फूल गई है। हमारा आलू का पराठा अब तैयार है। आप इस आलू के पराठे को दही के साथ या सॉस के साथ या हरी मिर्च के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा।